सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं ने बड़े ही धूमधाम के साथ पौधारोपण कार्यक्रम संपन्न किया। साथ ही विद्यालय के शिक्षकों ने अपने विद्यालय में अशोक, शीशम, मोहर इत्यादि सहित 25 पौधे लगाए। यहां बता दें कि पर्यावरण के बिना मानव का अस्तित्व असंभव है, इसलिए दुनिया में हर साल इसी तरह 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। जबकि पर्यावरण के प्रति बढ़ते खतरे को रोकने और इसे सुरक्षित करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। वहीं पर्यावरण सुधारने और इसे बिगाड़ने के लिए मानव जिम्मेवार है। दुनिया बहुत खूबसूरत है और इसे पर्यावरण के तहत बहुत खूबसूरत और बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्राचार्य ने कहा कि उनके विद्यालय के 460 भैया बहनों ने अपने अपने घरों में विभिन्न तरह के पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन हम सभी को अपने अपने घरों में एक एक पौधा लगाकर इसका संरक्षण करने का दिन है तथा धरती को योग्य बनाया जाए ताकि राष्ट्र सेवा में अपना बहुमूल्य योगदान दे सके। पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जो धरती है उसके ऊपर पौधा लगाए और उसको पर्यावरण से मुक्त कराकर अपने नवीन जिंदगी को आगे बढ़ाते चले। आज COVID-19 से सभी देश के सभी लोग जूझ रहे हैं और इस समस्या का समाधान अभी तो दूर दूर तक है। इससे बचने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले आरोग्य सेतु का जन जागरण किया। सरस्वती विद्या मंदिर श्री बंसीधर नगर के सभी शिक्षकों द्वारा इस ऐप का, जो आरोग्य सेतु ऐप है, उसका जन जागरण किया गया, लोगों तक पहुंचाया गया ताकि उन सभी व्यक्तियों को यह जानकारी हो कि यह COVID-19 क्या चीज़ है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। उसके बाद हमारा दूसरा मिशन ये पर्यावरण पर था। इसके लिए हमने निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित किया और पिछले एक सप्ताह से हमारा प्रयास था कि हमारे सभी भैया बहन, अभी चूंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, मोबाइल ऐप से जुड़े हुए हैं, इस नगर कुटारी जैसे पिछड़े क्षेत्र में भी हमारे करीब 600 से ऊपर भैया बहन मोबाइल से जुड़ करके अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। उसमें हम लोगों ने जन जागरण किया और सभी भैया बहनों को पिछले एक सप्ताह से प्रेरित किया कि आप अपने घर के आसपास एक पौधा लगाएं। यहाँ तक कि हमारे शिक्षक भी, प्रत्येक शिक्षक ने पौधा लगाने का संकल्प लिया और संकल्प यह भी लिया कि इस पौधे को हम लोग संरक्षण भी करेंगे। लगभग कितनी संख्या में आज पौधारोपण हुआ विद्यालय के, कितने छात्र छात्राएं हैं? मेरी जहाँ तक मेरे पास आंकड़ा आया है, अभी 400 से अधिक, करीब करीब 419 की संख्या मेरे पास आया है, जिसमें विद्यालय में कुछ 2-4 शिक्षकों ने भी योगदान किया जा करके, चूंकि अभी सभी जगह बंद है, लेकिन घरों में रह कर भी हमारे भैया बहन हर प्रकार की गतिविधि कर सकते हैं, सक्षम हैं वो और हम सभी उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। पौधा लगाने का जो फायदा है, इसी से संबंधित पहले हम लोगों ने निबंध प्रतियोगिता किया, उस पर डिबेट भी करवाया, आचार्य जी हमारे कई प्रकार से भैया बहनों को बताए कि पौधा लगाने से हमें क्या फायदा है, उनसे छाया मिलता है, उनसे फल मिलते हैं, उनसे ऑक्सीजन मिलती है, हमारे पर्यावरण जो अभी दूषित हो गया था वो अभी काफी हद तक ठीक हुआ है, लेकिन अभी पौधा लगाने, इस प्रकार के लगाने की तकनीकी को हम लोग जारी रखेंगे तो आने वाला भविष्य हम लोग का इस तरह का मौसम के हिसाब से खुशनुमा रहेगा।